ये नाटक किसी भी तरह के मद्यपान का समर्थन नहीं करता है। लीजिए प्रस्तुत है हिंदी नाटक। थैंक यू मिस्टर ग्लॉर। मिस्टर ग्लॉर उसे लेने जाने की क्या जरूरत है? उसने बर्लिन में अपने इच्छा से शादी कर ली, मुझसे पूछा नहीं, तो वो समझदार हो चुकी है मेरे से। मैंने जेनी मेम साहब को बचपन से अपने कंधों पे खिलाया है। अगर आप इजाजत दें तो मैं चला जाता हूँ, एक गाड़ी से चले जाऊंगा साहब। एक काम करो, अपना फ्लाइट का मुंबई का टिकट बुक करा लो। कैरियर नंबर 842 वीरभूषण पटनायक, फांसी के पहले अपनी बिल लिखवाना चाहता है। उसको बिल लिखवाने की क्या जरूरत है? उसको साफ साफ बता दो कि फांसी पर लटकने के बाद खाली पॉट की यही जमा करा ली जाएगी, घर पर नहीं भेजी जाएगी। बस सर, उसने प्रेसिडेंट के नाम बिल लिखवा दी। कहना है कि उसे फांसी देकर ना मारा है, उसके शरीर का हर एक अंग गरीब और बीमार को दे दिया है, इसीलिए उसे तैयार कर रखिए सर। एक काम कीजिए, ऑफिस टाइम के बाद आप टाइपिस्ट को लेकर सीधा हाउस गेट पर आइए। विल सामने डिक्टेट करवाना होगी, गलत सलाह लिख पाएगा तो चमड़ी उड़ दूंगा। क्रांतिकारी सरकार के प्रसिद्ध राष्ट्र प्रमुख के लिए राष्ट्रपति के सेवा महोदय, राजमहेंद्री सेंट्रल जेल में आपके शासन के द्वारा दी गई मौत की सजा की राह देखने वाला मैं, कैदी नंबर 842 वीरभूषण पटनायक, आपकी सरकार से जोरदार मांग करता हूं, मुझे फांसी के तख्ते पर लटकाकर मेरा पोस्टमार्टम कर मेरे शरीर को यूं नष्ट न किया जाए। मेरे जीते जी डॉक्टरों को सलाह मशवरे के साथ मेरे शरीर से ज्यादा खून निकाल लिया जाए, बाद में आंखें निकाल ली जाए, और फिर इस तरह हर हिस्सा यूं निकाला जाए कि वो मेरे जीते जी निकाला जा सके, जिससे वो किसी जरूरतमंद आदमी के काम आ सके। बाद में हर जरूरी हिस्सा आते फेफड़ा निकालकर जब मेरे प्राण चले जाए तब मैं मर गया ये जाहिर कर दिया जाए। आदमी की जरूरत के लिए मेरे शरीर से हर हिस्सा निकाल लेने के बाद मेरी लाश किसी को भी तकलीफ ना पहुंचा सके, इस तरह से उसे खत्म कर दिया जाए।
परस्पर किसी भी तरह की धार्मिक क्रिया न की जाए। मेरे शरीर पर पहला अधिकार भूमिहीन किसान, मजदूर, आदिवासी या फिर कुशल मजदूर का होगा। उसके बाद कुशल मजदूर, छोटा किसान, मेहनतकश या फिर छोटे उद्योग वालों का होगा। इनमें से अगर किसी को जरूरत ना हो तो फिर प्राध्यापक, कलाकार, डॉक्टर या फिर किसी भी मध्यम वर्ग के बुद्धिजीवी के लिए काम में लाया जाए। इनमें से भी किसी को जरूरत ना हो तो मेरे देश के किसी भी गरीब को दे दिया जाए, लेकिन किसी भी वजह से बड़े पूंजीपति, जमींदार, नौकरशाह या सत्ता के मंत्री के लिए मेरे शरीर का कोई भी हिस्सा काम में ना लाया जाए। मेरी इस अंतिम इच्छा और मांग पर आपकी सरकार गंभीरता से सोच विचार करेगी, यही अपेक्षा मैं करता हूं। और ये लेगा भट्टी से फर्स्ट क्लास कपड़ा, हाँ
ये पहनने का, ये क्या फटेले कपड़े पहनता रहे तू, ये पहनने का आज से बस क्लास कपड़ा। अरे हमारा लीडर है तू, हम इतने रॉब से जेल में घूमता और हमारा लीडर ऐसा गंदा कपड़ा पहनने का, सारा दिल को अच्छा लगेगा क्या है? ए लीडर, ये बास गिरफ से आता है, साला ये तो खाना पानी कुछ करता है नहीं, फिर बास की तरफ से मारता है, साला। ए लीडर, साला तुम्हारा कमरा ऐसा गंदा है, कोई रिस्पेक्ट है ही नहीं। ए राजो बे, चल लीडर के कमरे को एकदम चकाचक करने का, हाँ फिर भी एक्टर काम आगे, चल लग जा, चल जल्दी। क्या सोचता है रे, साला दिन में चांद निकला, अरे अपन भी यही सोचता, बिलाड़ साहब भेजा तेरे वास्ते। वैसे एक बात बताने का, तेरा बीवी बिलाड़ साहब को कितना पैसा दिया है? Thank you.